नमस्कार बंधुगण, मु हिमानी आपण मानंकु आम चैनल उत्कल भाइराल को स्वागत जनाउछि। सूर्य ब्रह्मांडर केन्द्रीय शक्ति अटंती, संपूर्ण सृष्टिर गति देउथिबा एवं एही जगत को प्रकाश, ज्ञान, ऊर्जा, जीवन शक्ति प्रदान करुथिबा रोग कीटाणु जीवाणु रोग पिशाच नाशक भी कहा जाए। वेदर मान्यता अनुसार हेउ कि विज्ञान अनुसार हेउ, सूर्य आम समस्त आत्मार कारक अटंती एवं आत्मा एवं नवग्रहर सम्राट भी सूर्य अटंती। सूर्य को मनुष्य श्रेय एवं प्रेमर मार्गर प्रवर्तक मना जाइछि। सेमिति तो कुहा जाइछि कि सूर्य को उपासना करिबा द्वारा तुरंत फल मिलिथाए। भगवान रामंक पूर्वज सूर्यवंशी महाराजा राजधनु को सूर्य उपासना द्वारा ही दीर्घायु प्राप्त होइथिला एवं भगवान श्रीकृष्ण पुत्र सांबर सूर्य उपासना द्वारा कुष्ठरोग ठीक होइथिला। सेमिति तो भगवान सूर्य उपासना स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी करुथिले। जदि आमे हिंदू धर्म को मानु तेबे सूर्य आत्मार कारक, पितार कारक, कर्मर कारक एवं ज्योतिषर नेत्र, नाक, कान एवं ब्लड प्रेशर, अस्थि रोग, नखर कारक भी मना जाती। किंतु आज आम कथा हेबा सूर्य जी एत सर्वशक्तिशाली अटंती एक छोट मंत्र जहाँ जीवनर समस्त समस्या आपण को बाहर करमि। तो प्रत्येक व्यक्ति सूर्य को जल दे था, कि जल देवा समय गोटे मंत्र आपण जदि बोलती तेज सबू समस्या दूर होता है। जल देवा समय जो मंत्र बोला जाए से मंत्र अद्भुत परिणाम दे थाए एवं से मंत्री होउछि ओम एहि सूर्य सहस्रासो तेजोराशि जगतपते करुणाकर मे देव गृहणाद्य नमस्तुते। ई मंत्र को बोली करी आपण जल अर्पण करंतु एवं एक एमिति मंत्र जहाँ जीवनर समस्त समस्या आपण को बाहर करिब एवं सबु असुविधार सामना करिबाकु शक्ति देव। एही मंत्र को आमे सूर्य गायत्री मंत्र कही थाओ। एही मंत्र जीवन रे अद्भुत परिणाम दे थाए एवं जदि मंत्र जप आपण प्रत्येक दिन सका स्नान करी करती तेबे जीवन रे सरलता रे सफलता मिली थाए। तेबे मंत्रटी हेउची ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एही मंत्र जप आपण पांच थर किंबा एगार थर करंतु। एहा द्वारा जीवन रे सबु समस्या रु बाहरी जिबे एवं खूब मान सम्मान मिलिबो, जशर प्राप्ति होबो, चाकरी रे आसुथिबा बाधा दूर होबो एवं आपणक कुंडली रे सबु ग्रह भी मजबूत हेबाकु लागिबो। आपण सूर्य को जल दियंतु कि न दियंतु, किंतु सूर्य गायत्री मंत्र रे जप निश्चय करंतु। तेबे एही वीडियो रे एतिकी। वीडियो को लाइक शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।